काउंसिल की 43वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। करीब 8 महीने बाद हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में कोविड-19 से जुड़े सामानों जैसे दवाइयों, टीकों और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी रेट को कम करने के साथ ही पेट्रोल डीजल पर भी विचार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बैठक में कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्यों को हो रहे नुकसान के कारण राज्यों द्वारा मांगी जाने वाली फिक्सल सपोर्ट यानी आर्थिक मदद पर जीएसटी काउंसिल को फैसला करना पड़ सकता है। बैठक में जयपुर से शांति धारीवाल भी वीसी के जरिए शामिल हैं। वहीं वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, वित्त सचिव राजस्व टी रविकांत और वाणिज्य कर आयुक्त रवि जैन भी मौजूद हैं। तो जीएसटी काउंसिल की इस वक्त ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और इस बैठक का जो एजेंडा है, खास तौर से कोविड काल में जिस तरीके से राज्यों को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई को लेकर कोई आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। राजस्थान से यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल भी इस वीसी के जरिए जुड़े हैं और अपना वे पक्ष रख रहे हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया जा सकता है। उसके अलावा जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल में के रेट में लगातार इजाफा होता जा रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ विचार किया जा सकता है या हो सकता है कि कुछ राहत मिल सकती है आम जनता को। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता प्रीत किरण इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रीत, यहां पर यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, कुछ आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है, कितनी उम्मीदें हैं राजस्थान को लेकर? जी बिल्कुल, उम्मीद लगाई जा रही है। जिस तरीके से पहले भी जीएसटी की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से लगातार बैठकों में रियायत की बात की जाती रही है, कहीं ना कहीं मदद की जाती रही है, जिस तरीके से कोरोना काल की दूसरी लहर में ये बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक में कहीं ना कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जीएसटी को लेके छूट दी जाएगी, दवाइयों को लेके, टीकों को लेके और तमाम जो मेडिकल की जरूरी चीजें हैं उनको लेके कहीं ना कहीं रियायत दी जाएगी। जिस तरीके से विपक्षी दल भी, कांग्रेस पार्टी भी लगातार जीएसटी में छूट की बात करती रही है, चाहे वो एम्बुलेंस की खरीद की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, वैक्सीन की बात हो, तमाम चीजें जो बेहद जरूरी हैं उन पे जीएसटी की छूट विपक्षी दलों की ओर से की जाती रही है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज की ये जो बैठक है इसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल को लेके भी कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलेगी जरूर। जिस तरीके से जो वित्त विभाग के सचिव हैं अखिलेश अरोड़ा, उनकी तरफ से पहले भी ये बताया गया था कि संकेत ये मिल रहे हैं कि जीएसटी में छूट जरूर आज की बैठक में मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि क्या कुछ केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया जाता है इस बैठक के बाद। बिल्कुल, और जीएसटी कई जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनमें भी राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है यहाँ पर प्रीत? जी बिल्कुल, जैसे दवाइयों की बात करें, खासतौर पर वैक्सीन की बात करें, इस समय जब देश भर में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर जारी है, उस समय ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वैक्सीन का जो आयात है उसके या राज्य सरकारों को जिस तरीके से वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा रही है, प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है, उन तमाम चीजों पर जीएसटी में कहीं ना कहीं राहत दी जाए। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पिछली जो पहली लहर थी उस समय सैनिटाइजर का जीएसटी हटाया था, ठीक इस तरीके से जो ब्लैक फंगल की मेडिसिन है, वाइट फंगल की मेडिसिन है, उस पर से भी जीएसटी हटाने की बात की जा रही है, क्योंकि तमाम जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने इसको महामारी घोषित कर दिया है। ऐसे में वो तमाम जो जरूरी सुविधाएं दी जा रही है, खासतौर पर वेंटिलेटर्स की बात की जाए, ऑक्सीजन बेड की बात की जाए, तो उनपे से जीएसटी हटाने की बात लगातार की जा रही है, विपक्षी दलों की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से भी मांग की जाती रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रीत आपका। तो हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रीत किरण की हमें ताज़ा अपडेट
कह रही थी कि वित्त विभाग यानी कि जीएसटी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, और इस बैठक में कुछ आर्थिक पैकेजों का ऐलान भी किया जा सकता है, कुछ राज्यों को राहत भी मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो यहां से यूडीएफ मिनिस्टर शांति धारीवाल वीसी के जरिए शामिल हैं।